ओके ऑल गुड लेट्स गो। तो मैं हमीर और आपका मार्थिन क्रिप्टो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एबीटॉक के एक नए एपिसोड लेकर। फिर आज हम बात करेंगे आईएसएल 5 आई लीग 12 और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आईएसएल 5 के बारे में। तो आईएसएल 5 का लास्ट दो मैचों का रिजल्ट मैं आपको नहीं बता पाया था, चलिए मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो दोस्तों पहला था 10 नवंबर आईएसएल 5 का जो नंबर 33 मैच था, एटीके वर्सेस एफसी पुणे सिटी, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पर मैच हुआ। एटीके ने इस मैच पर जीत हासिल कर लिया था, उन्होंने एक गोल लगाया और एफसी पुणे सिटी ने एक भी गोल नहीं लगा पाया था। एटीके की तरफ से गर्सन भेरा ने एक गोल लगाया और उनको ही हीरो ऑफ द मैच घोषित कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट मैच हुआ 11 नवंबर को आईएसएल 5 का नंबर 34 मैच, केरला ब्लास्टर एफसी वर्सेस एफसी गोवा, कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर। इस मैच पे एफसी गोवा ने जीत हासिल कर लिया था, उन्होंने 3 गोल लगाया था और केरला ब्लास्टर एफसी ने सिर्फ 1 गोल लगा पाया था। एफसी गोवा की तरफ से 2 गोल कोरोना ने लगाया था और 1 गोल लगाया था मनवीर सिंह ने। उसके बाद केरला ब्लास्टर की तरफ से 1 गोल लगाया था निकोला ने और हीरो ऑफ द मैच था कोरो। और अभी तो आईएसएल में ब्रेक चल रहा है क्योंकि इंडिया नेशनल टीम का एक फ्रेंडली मैच होने वाला है जॉर्डन के साथ, इसीलिए आईएसएल में अभी ब्रेक है। और नेक्स्ट मैच होगा इस ब्रेक के बाद 21 नवंबर को आईएसएल 5 के नंबर 35 मैच, एफसी पुणे सिटी वर्सेस जमशेदपुर एफसी। मैच होगा पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, शाम 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार पर, जीटीवी पर देख सकते हो और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और इसके बाद चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं आईएसएल 5 से जुड़े। तो पहला है गोल्डन बूट के रेस। तो दोस्तों इस रेस में अभी सबसे ऊपर है कोरो, उन्होंने टोटल 6 गोल लगाया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ओगबेचे नॉर्थ नरेड एफसी का स्टार खिलाड़ी, 6 गोल लगाया उन्होंने टोटल। उसके बाद एडू बेदिया एफसी गोवा से, उन्होंने अभी तक 4 गोल लगाया। सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी से, उन्होंने टोटल 4 गोल लगाया अभी तक। और 5 नंबर पर है सर्जियो सिजोंचा जो जमशेदपुर एफसी का एक खिलाड़ी है और उन्होंने टोटल 3 गोल लगाए। तो अभी तक ये टॉप खिलाड़ी गोल्डन बूट के रेस में है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्डन ग्लव्स। तो दोस्तों उस लिस्ट में सबसे ऊपर है गुरप्रीत सिंह संधू, उसके बाद है अमरिंदर जो मुंबई सिटी एफसी की तरफ से खेल रहा है, उसके बाद अरिंदम जो एटी की तरफ से खेल रहा है, उसके बाद पवन कुमार नॉर्थ नरेड एफसी से, और लास्ट में 5 नंबर पर है अभी सुब्रत पाल जमशेदपुर एफसी की तरफ से। तो दोस्तों ये तो हो गया अभी गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स के रेस में कौन कौन शामिल है टॉप 5 में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में आईएसएल 5 का। तो दोस्तों आईएसएल 5 का 100 गोल कंप्लीट हो चुका है, जो सभी सीजन से फास्टर है, यानी कि अभी तक इतने जल्दी 100 गोल कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। टोटल 34 मैचों में ही आईएसएल 5 में 100 गोल कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो हो गया आईएसएल 5 से जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बातचीत। अब चलिए मैं आपको एक बार पॉइंट टेबल दिखा देता हूँ, क्योंकि आईएसएल 5 का 5 वीक कंप्लीट हो चुका है और अभी तक पॉइंट टेबल का क्या हाल है आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह के ही था पॉइंट टेबल। आप चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल टीम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को तो पता लग गया ही होगा कि 17 नवंबर इंडिया वर्सेस जॉर्डन एक फ्रेंडली मैच होने वाला है, जो कि इंटरनेशनल मैच होगा। और इस मैच पे सुनील छेत्री मौजूद नहीं रह पाएगा क्योंकि उनका एंकल इंजरी हो गया है। बेंगलुरु एफसी का जो लास्ट मैच हुआ था केरला ब्लास्टर एफसी के साथ, उस मैच पे ही उनको इंजरी हो गया था और अभी उनको 2 हफ्ते रेस्ट लेना पड़ेगा, और जिसके चलते सुनील छेत्री जॉर्डन के खिलाफ नहीं खेल पाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है एटीए का स्टार खिलाड़ी जो 18 बच्चिया है कोमल छेदा सिलेक्ट हो चुका है इंडियन सीनियर नेशनल टीम का, जो अभी कैंप चल रहा है जॉर्डन के खिलाफ, उस कैंप में वो सिलेक्ट हो चुका है। और शायद ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि 15 महीनों का जो स्क्वाड घोषित होने वाला है, उस स्क्वाड में भी कोमल छेदा आ सकता है। तो अभी तक इंडिया का 15 महीने स्क्वाड घोषित नहीं हुआ है जॉर्डन के खिलाफ, जब हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और मैं इंडिया वर्सेज जॉर्डन मैच के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गया इंडियन नेशनल टीम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आई लीग 12 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो आज आई लीग 12 का 4वां हफ्ता का पहला मैच था 13 नवंबर आई लीग 12 का नंबर 19 मैच, ईस्ट बंगाल वर्सेस चेन्नई सिटी एफसी, कोलकाता के सॉल्ट स्टेडियम पर मैच हुआ। और इस मैच का रिजल्ट सामने आ चुका है, चेन्नई एफसी ने 2 गोल लगाकर इस मैच को जीत लिया और ईस्ट बंगाल सिर्फ 1 गोल लगा पाया था। तो चेन्नई एफसी इस मैच पर जीत हासिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा दोस्तों 15 नवंबर को आई लीग 12 का नंबर 20 मैच होगा, चर्चेज ब्रदर्स गोवा एफसी वर्सेस शिलोंग लाजोंग एफसी, जो मैच होगा चर्चेज ब्रदर्स के होम ग्राउंड पर। शाम 5 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा, आप अगर चाहो तो इस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार पर, जीटीवी पर देख सकते हो और स्टार स्पोर्ट्स 3 पर। तो दोस्तों बस इतना ही अपडेट था आई लीग 12 से जुड़े आज। चलिए मैं आपको एक बार पॉइंट टेबल दिखा देता हूँ अभी तक का, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा।
तो अभी तक कुछ इस तरह का ही हाल है आई लीग 12 के पॉइंट टेबल में। तो इतना ही था इस वीडियो में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले डेली इंडियन फुटबॉल से जुड़े। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।